राष्ट्र के लिए क्या महत्व रखता है ये बच्चा बच्चा जानता है। महात्मा गांधी के विचार ने पूरे देश को प्रेरित किया। पूज्य बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना ये उनकी विशेषता थी। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को ये अनुभव कराया कि वह देश के लिए एक महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। अपने हक के लिए लड़ना सत्याग्रह का मार्ग गांधी जी ने पूरे विश्व को दिखाया। अपने हक के लिए लड़ना सत्याग्रह का मार्ग गांधी जी ने पूरे विश्व के लिए दिखाया। स्वतंत्रता संग्राम में उनका सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि उन्होंने इसे एक व्यापक जन आंदोलन बना दिया था। गांधी जी ने कहा था कि जो सबसे गरीब कमजोर आदमी तुमने देखा है उसकी शक्ल याद करो और अपने ये दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी है। क्या हम कोई भी खरीदारी करते वक्त पल भर के लिए बापू को स्मरण कर सकते हैं? क्या हम खरीदारी करते समय ये सोच सकते हैं कि जो मैं ये चीज खरीद रहा हूँ वो उस व्यक्ति के लिए, मेरे देश के किस देशवासी को इससे लाभ होगा, किसके चेहरे पर खुशी आएगी? दोस्तों, गांधी जी ने जब कहा था, गांधी जी ने कहा था कि यदि सफाई करोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी। शायद उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि ये कैसे होगा, लेकिन ये हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली। इसी तरह आज हमें ये लग सकता है कि मेरे इस कार्य करने से मेरे देश की आर्थिक उन्नति में, आर्थिक सशक्तिकरण में, गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ने की ताकत देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और आज के युग की यही देशभक्ति होनी चाहिए और यही हमारे पूज्य बापू को कार्यांजलि है। अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। हिंदुस्तान को हमें सारे जहां से अच्छा बनाना ही होगा, इसके गुलिस्तान को हमें फूलों से सजाना ही होगा। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को हमें साकार करना ही होगा और अंत में हमें देश को हमें अपने से स्वयं से आगे रखना ही होगा। जय हिंद, जय भारत। पूरदात्मा आत्मा तत्त्वम् सदचिदं सुखम् परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम् ईश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राजाराम पतित पावन सीताराम भज प्यारे तू सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम भगुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हो जय बोलो
गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निशोधन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ऊज़ु बिल्लाहि मिनश् शैतानिर् रजीम् Oh,
समाप्त।